व्यंग के रंग में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही परसाई जी कृत सदाचार का तावीज। इस व्यंग संकलन से एक व्यंग जिसका शीर्षक है एकलव्य ने गुरु को अंगूठा दिखाया। सन 4163 ईस्वी। शोधकर्ताओं को कुछ पुरानी पोथियों की पांडुलिपियां हाल ही में मिली हैं, जिनमें 20वीं सदी के अंत में लिखित एक पुराण भी है। इस पुराण को संपादित करके हाल ही में प्रकाशित किया गया है। संपादक ने इस पुराण की भूमिका में लिखा है, यह पुराण 20वीं सदी के अंतिम वर्षों में लिखा गया मालूम होता है। इसकी केवल एक हस्तलिपि प्रति ही प्राप्त हुई है। यद्यपि 20वीं सदी में मुद्रण विद्या बहुत ही पिछड़ी हुई थी और रोटरी नाम की छपाई की एक मामूली मशीन को ही लोग इतनी बड़ी उपलब्धि मानते थे कि उसके प्रचार के लिए आधी दुनिया में रोटरी क्लब खुले हुए थे, फिर भी उस युग में पुस्तकें थोड़ी बहुत छप जाती थी। यह महत्वपूर्ण पुराण तब क्यों नहीं छप सका? इसके सामाजिक राजनैतिक कारणों की खोज हो रही है। इस पुराण से उस युग के सामाजिक आर्थिक नैतिक और सांस्कृतिक जीवन पर विशद प्रकाश पड़ता है। उक्त पुराण में से एक कथा यहाँ उद्धृत की जा रही है। लेखक। एक समय की बात है, एक विश्वविद्यालय में राजनीति विभाग के एक प्रतिष्ठित अध्यापक थे जिनका नाम था द्रोणाचार्य। पदक्रम के अनुसार वे रीडर कहलाते थे। रीडर उस अध्यापक को कहते थे जिसे कक्षा में पढ़ाना नहीं आता था और वह पाठ्य पुस्तक या कुंजी कक्षा में पढ़कर काम चला लेता था। आचार्य द्रोणाचार्य के दो शिष्य थे, एक का नाम अर्जुन दास था और दूसरे का एकलव्य दास। अर्जुन दास एक धनी बाप का बेटा था जिनका समाज में प्रभाव था और राज दरबार में भी उनका मान होता था। आचार्य रोज अर्जुन दास के घर जाते थे और अर्जुन दास भी रोज उनके घर आते थे। उनका साथ इतना घना था, यदि कोई आंखें बंद करके आचार्य प्रवर की कल्पना करता तो आचार्य का शरीर कल्पना में आते आते उसमें एक दुम निकल आती और दुम के छोर पर अर्जुन दास का चेहरा बन जाता। एकलव्य गरीब आदमी का लड़का था, इसलिए उसे आचार्य का साक्षात्कार बहुत कम होता था, पर गुरु के प्रति उसकी भक्ति थी। उसने अपने कमरे में द्रोणाचार्य का एक चित्र टांग रखा था और उनकी लिखी हुई एक कुंजी सिरहाने रखकर सोता था। दोनों शिष्य एमए की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। एमए एक ऐसी परीक्षा थी जिसे पढ़ने के बाद 3 वर्ष का बेकारी का कोर्स पढ़ना पड़ता था। अर्जुन जानता था कि विद्या पढ़ने से नहीं बल्कि गुरु कृपा से प्राप्त होती है। वह निरंतर गुरु की सेवा में रहता था। वह आचार्य के घर में किराना कपड़ा सब्जी आदि पहुंचाता था। त्योहार पर आचार्य के 5 बच्चों को बाजार ले जाता और उन्हें मिठाई कपड़े खिलौने आदि खरीद देता। वह आचार्यों को सिनेमा नाटक दिखाता था और अन्य अध्यापकों की पत्नियों की कलंक कथाएं पढ़कर उन्हें सुनाकर उनका मनोरंजन भी करता था। वह आचार्य के कुशल क्षेम पर ध्यान देता था। रात को उनके सामने अन्य आचार्यों की निंदा करता था जिससे उनकी आत्मा का उत्थान होता था। उधर एकलव्य गुरु सेवा से विमुख होकर रात दिन अध्ययन में लगा रहता था। एक दिन आचार्य और अर्जुन में इस प्रकार संवाद हुआ, आचार्यवर मैं आपके घर में किराना कपड़ा सब्जी आदि पहुंचाता हूँ कि नहीं? हाँ वत्स पहुंचाते हो। आचार्य को सिनेमा नाटक कौन दिखाता है? बच्चों को मिठाई खिलौने और कपड़े कौन खरीद कर देता है? तू ही बेटा, तू ही सब करता है। क्या कोई दूसरा शिष्य है जो आपके मुंह पर आपकी प्रशंसा मुझसे अधिक करके आपके मन को प्रसन्न करता हो? नहीं, कोई नहीं। क्या कोई ऐसा अध्यापक बचा है जिसकी निंदा ना करके मैंने आपके हृदय को दुखाया हो? नहीं, कोई नहीं बचा वत्स। क्या यह सत्य नहीं कि आपके रीडर बनने में मेरे पिताजी का बड़ा हाथ है? यह सर्वथा सत्य है। आगे विभागाध्यक्ष बनने के लिए आप किसकी सहायता लेंगे? निःसंदेह तेरे पिता की। क्या एकलव्य ने आपकी सेवा की है? बिल्कुल नहीं, उसे तो गुरु की कोई सुधी नहीं है, वह तो हमेशा निर्जीव ग्रंथों में ही डूबा रहता है। अच्छा यह बताइए गुरुदेव कि आपका सबसे प्रिय शिष्य कौन है? तू है वत्स, तुझसा प्रिय शिष्य ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। सहसा अर्जुन हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, तो गुरुदेव मुझे वर दीजिए कि मैं ही फर्स्ट क्लास फर्स्ट आऊं और छात्रवृत्ति लेकर विदेश जाऊं।
यह सुनकर आचार्य थोड़ी देर सोच में पड़े रहे, फिर बोले, यह तो मैं भी चाहता हूं, पर एकलव्य इसमें बाधक होगा। वह सबसे कुशाग्र बुद्धि है और परिश्रमी भी। अर्जुन दास ने कहा, यह मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो इतना जानता हूं कि यदि मैं प्रथम नहीं आया तो गुरु की महिमा भंग हो जाएगी। आगे कोई शिष्य गुरु की सेवा नहीं करेगा और इस अधम परंपरा को आरंभ करने का कलंक आपको लगेगा। आचार्य फिर सोच में पड़ गए। धीरे धीरे उनके मुख पर निश्चय की दृढ़ता आ गई। अर्जुन उस क्षण गुरु के उस तेजोदीप्त मुख को देखकर अभिभूत हो गया। लगता था आचार्य के जीवन भर के पुण्य आभा बनकर मुख पर प्रकट हो गए हैं। आचार्य ने दृढ़ स्वर में कहा, तेरी मनोकामना पूरी होगी। दूसरे दिन आचार्य ने एकलव्य को बुलाया, उससे पूछा, वत्स, तूने अपने कमरे में मेरा चित्र क्यों टांग रखा है? एकलव्य ने कहा, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। और मेरी लिखी हुई कुंजी तू सिरहाने रखकर क्यों सोता है? इसलिए कि दिन में प्राप्त किया हुआ बिखरा ज्ञान रात में परीक्षा के प्रश्नोत्तरों में सिमट कर बंध जाए। आचार्य ने ध्यान से देखा, फिर कहा, यदि तू मेरा शिष्य है तो मुझे गुरु दक्षिणा दे। एकलव्य ने उत्तर दिया, मैं क्या दे सकता हूँ गुरुवर? ना मेरी किराना की दुकान है, ना हौजरी की। मेरे पिता से भी ईमान बेचते नहीं बना, इसलिए निर्धन है। आचार्य ने कहा, मैं वह वस्तु मांगता हूँ जो तेरे पास है। तू मुझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट कर दे दे। उठा वह सुपारी काटने का सरोता और काट दे अंगूठा। एकलव्य शांत था, वह मानो इसके लिए तैयार था। उसने कहा, गुरुवर, अंगूठा तो मैं आपको सहज काट कर दे दूंगा, पर यह आपके किस काम आएगा? आचार्य ने कहा, सो मैं जानता हूँ, मुझे एक महान परंपरा का निर्वाह करना है। अर्जुन की भक्ति से भी मैं प्रसन्न हूँ। मैंने उसे वर दिया है कि तू ही प्रथम आएगा, पर वह तब तक प्रथम नहीं आ सकता जब तक तू लिखने में असमर्थ है। तू लिख ना सके और मेरा वचन पूरा हो, इसके लिए मुझे तेरा दाहिना अंगूठा चाहिए। एकलव्य ने कहा, बोला, मगर दाहिना अंगूठा काट लेने से भी आपका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मैं बाएं हाथ से भी उसी कुशलता से लिख लेता हूँ। जब मैंने होश संभाला और अपने नाम पर ध्यान दिया, तभी मैं समझ गया कि कोई गुरु कभी मेरा अंगूठा मांगेगा। मैं तभी से दोनों हाथ से लिखने का अभ्यास कर रहा हूँ। दोनों अंगूठे कटने से आपका उद्देश्य पूरा हो सकता है, पर शिष्य के दोनों अंगूठे कटवाने की परंपरा है नहीं। आचार्य निराश हुए, बोले, अधम, तूने गुरु द्रोह किया। तूने दोनों हाथों से लिखने का अभ्यास कर लिया? खैर, मेरे पास दूसरे रास्ते भी हैं। उस शाम को आचार्य ने अर्जुन दास से कहा, उसका अंगूठा मैं नहीं ले सका, पर मेरे पास एक अकाट्य दवा भी है जिससे वह बच नहीं सकता। तुम्हारा एक पेपर जांचने के लिए मुझे मिलने वाला है और दूसरा मेरे परम मित्र देवदत्त शर्मा को। इन दोनों में तुम्हें 100 में से 99 नंबर मिल जाएंगे और तुम एकलव्य से आगे निकल जाओगे। उसके दोनों अंगूठे कट जाएंगे, उसकी तीव्र बुद्धि और उसका अध्ययन धरे रह जाएंगे। अर्जुन निश्चिंत हो गए। उसे गुरु की क्षमता पर विश्वास था। वे विभाग में इतने प्रभावशाली थे कि उनकी मर्जी के खिलाफ पत्ता तक नहीं हिलता था। पेपर हो गए। अर्जुन दास और एकलव्य दोनों ने यथाबुद्धि प्रश्नों के उत्तर दिए। एकलव्य के मन में शंका थी, पर अर्जुन दास बिल्कुल निशंक था। उसे गुरु कृपा प्राप्त थी। अंतिम पर्चा करके शाम को अर्जुन आचार्य के पास आया। आचार्य मुंह लटकाए बैठे थे। अर्जुन का उत्साह ठंडा पड़ गया। वह आचार्य के मुंह की तरफ देखता रहा। आचार्य ने ठंडी सांस खींचकर कहा, मैं अधम हूं, मैं अपना वचन पूरा नहीं कर सकूंगा। भविष्य में कोई शिष्य गुरु की सेवा नहीं करेगा और आगामी गुरुओं की पीढ़ियां मुझे धिक्कारेंगी। अर्जुन ने पूछा, पर हुआ क्या गुरुदेव? आचार्य बोले, धोखा हुआ। पेपर जांचने के लिए ना मुझे मिला, ना देवदत्त को। उपकुलपति ने अपने हाथ से किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों को पेपर दे दिए। अर्जुन ने कहा, पर ऐसा हो कैसे गया? पेपर किसे जाना है यह तो आपने ही तय कराया था। आचार्य बोले, पर एकलव्य ने मेरी रिपोर्ट कर दी थी। गुरु शिष्य दोनों सिर झुकाए बड़ी देर तक बैठे रहे। अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, प्राचीन काल में भी एक एकलव्य हो गया है ना? आचार्य बोले, हाँ, पर उसमें और इसमें बड़ा अंतर है। वह पुण्य युग था, यह पाप युग है। उस एकलव्य ने बिना तर्क के अंगूठा काटकर गुरु को दे दिया था। इस एकलव्य ने गुरु को अंगूठा दिखा दिया।
हाँ।